हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। मैं रोहित मित्तल आपके सामने लेकर आया हूँ 90 डेज टू क्रैक जेई सीरीज के अंदर एक और बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, अगेन आज का क्वेश्चन बेटा रिलेटेड है एरिया अंडर कर्व से, है ना। तो आज हम इसके अंदर देखेंगे कि कैसे पैराबोलिक कर्व से क्वेश्चन सॉल्व होता है ना, क्योंकि पैराबोलिक और ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों कर्व्स का काफ़ी वेटेज है ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार देखते हैं कि पहला जो आपका कर्व है बेटा, विच इज़ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x-1, दूसरा कर्व है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x-3। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है, फॉर फाइंडिंग दी वर्टेक्स, तो देखेंगे आप 2 मैंने कॉमन लिया, सो इट इज x-1/2। नेक्स्ट वाले के अंदर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वी कैन टेक 4s कॉमन और x-3/4। तो पहले कर्व का वर्टेक्स मेरा क्या आता है 1/2, 0, दूसरे का वर्टेक्स मेरे पास क्या आता है 3/4, 0, और दोनों ही पैराबोलिक कर्व है ओपनिंग राइट साइड। तो स्टार्ट करते हैं ग्राफ से। देखिए ये रहा ग्राफ, पहला कर्व है जिसका पॉइंट वर्टेक्स का है 3/4, 0, दूसरे का है 1/2, 0, दोनों ही ओपनिंग राइट साइड है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए कि दिस इज द इंक्लोज्ड एरिया जो मेरे को निकालना, यही मेरा क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन क्या था बेटा कि द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोलास, तो दोनों पैराबोला के बीच में यही है जो इंक्लोज्ड है। अब देखिए हम इसको अलोंग दी वाई एक्सेस इंटीग्रेट करेंगे ना, हमें दोनों में प्रो बनना है ना, एक्स के अलोंग इंटीग्रेट करने में भी और वाई के अलोंग इंटीग्रेट करने में भी। अगर मैं इसको वाई के अलोंग इंटीग्रेट करूंगा तो ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट मुझे पता होना चाहिए, एंड दीज पॉइंट्स लेट्स कॉल देम ए एंड बी। तो बेटा ए और बी वो पॉइंट है विच आर कॉमन इन बोथ द कर्व, तो आइए कॉमन पॉइंट निकालते हैं। कैसे करेंगे, पहले और दूसरे कर्व को आपस में इक्वेट कर देते हैं, है ना। पहला कर्व है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x-3, वहां से एक्स का वैल्यू क्या निकल करके आता है वाई स्क्वायर प्लस 3/4, और दूसरे कर्व से x का वैल्यू क्या निकल के आता है y स्क्वायर प्लस 1/2। तो दोनों को जैसे ही मैंने इक्वेट किया अगले स्टेप में आप देख सकते हैं ये इक्वेशन क्रिएट हुई, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, ये छोटी सी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, वाई स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, 2 को इधर ले जाएंगे, बड़े प्यार से सब्ट्रैक्ट करके वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी, जहां से वाई की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी। सो वी कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ प्लस माइनस 1 इन एनी ऑफ द इक्वेशन, है ना, 1 और सेकंड कहीं पे भी पुट कर दो, यहां पे पुट कर दो चाहो तो, और यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो जैसे ही आप वाई की वैल्यू पुट करोगे आप देखोगे वाई इज प्लस माइनस 1, सो दिस विल बी 4/4 एंड 4/4 विल बी 1, तो एक्स 1 आ गया। और जैसे ही एक्स 1 आ गया आपके पास दो पॉइंट आ गए 1,1 एंड 1,-1, जो ए और बी है। सो ए इज माय 1,1, इसीलिए ये वाला पॉइंट 1 है, बी इज माय 1,-1। तो बड़ा क्लियर मुझे आइडिया लग रहा है कि इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए मुझे इसे इंटीग्रेट करना है माइनस 1 से 1 के बीच में। तो जब भी आप y के अलोंग इंटीग्रेट करोगे बेटा कैसे लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन x1-x2, सही बात है, पहला कर्व में से दूसरा कर्व सब्ट्रैक्ट करना है, देन d ऑफ y और जो भी आपकी लिमिट हो, तो इसको इसमें मेरी लिमिट है माइनस 1 से 1, ये तरीका है। तो आप देख सकते हैं कि यार इसके अंदर ये तो मेरा x1 है और ये मेरा x2 है। ठीक है, बिकॉज x1 इज लाइक बिल्कुल राइट साइड वाला कर्व। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जब आप x के अलोंग इंटीग्रेट करते हैं तो अपर माइनस लोअर करते हैं ना, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। जब आप y के अलोंग इंटीग्रेट करते हैं तो आप करते हैं राइट साइड वाली कर्व माइनस लेफ्ट साइड वाली कर्व। तो मेरी राइट वाली कर्व x1 है, लेफ्ट वाली x2 है, सो x1-x2 dy। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि यार आगे का पार्ट उतना डिफिकल्ट नहीं है बच्चों के लिए, क्योंकि इंटीग्रेशन उतना टफ नहीं आता ना इसके अंदर, बहुत बेसिक इंटीग्रेशन है। लेकिन कर्व प्लॉट करना, ये समझना कि कहां से कहां तक इंटीग्रेशन है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो अब x1 का वैल्यू है y स्क्वायर प्लस 3/4 माइनस y1 का वैल्यू है y स्क्वायर प्लस 1/2। देखिए यहाँ पे हम करते हैं 3/4-1/2, आप ही बताइए 3/4 में से 1/2 गया तो कितना बचेगा 1/4, और y स्क्वायर बाय फोर माइनस y स्क्वायर बाय टू कितना बचेगा माइनस y स्क्वायर बाय फोर। प्यार से इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ये 1/4 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से y हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास y स्क्वायर है, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y³/3, ऑलरेडी आपके पास 4 है, तो 3×4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्लियर है वाली स्टेप, ठीक है। अच्छा, अब मजे की बात यह है यहाँ पे कि हमने ये तो इंटीग्रेट किया था, पर आपको पता होना चाहिए कि यार माइनस 1 से 1 के बीच में, या तो आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज़ कर दें जो मैंने यहाँ पे यूज़ करी एरिया की, कि मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर दी कि अगर मेरा एरिया है माइनस ए से ए के बीच में f(x)dx एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ पर मेरा जो फंक्शन है दैट इज़ इवन फंक्शन, इट मीन्स f(x) की वैल्यू f(-x) के इक्वल है, तो ये डबल हो जाता है, तो ये वाला एरिया मेरा डबल हो गया है, गॉट इट। और माइनस 1 से 1 की जगह लिमिट 0 से 1 के बीच चली गई है, बस आप लिमिट पुट कर, जैसे आप 1 पुट करेंगे विल गेट दिस 1, बिकॉज 1/4-1/12 आ जाएगा, 1/4-1/12 इज दिस, एंड फाइनल आंसर इज 1/3। ठीक है,
तो मेरा पूरा जो फोकस है वो इस बात पे है कि आप लोगों को ये समझ में आए कि यार कर्व प्लॉट करना और कर्व प्लॉट करके ये मार्क करना और ये एरिया समझना इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट करना इज क्वाइटली वेरी इजी, ठीक है। और अगर आप ये चेंज नहीं करना भी चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्टली भी इंटीग्रेट करने की सोच सकते हैं, पर वो डबल करना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है। चलिए, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एरिया अंडर कर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वेट करिए अगले क्वेश्चन का, ठीक है। थैंक यू।